खुशी मिल रही होगी ना आसमां तुम्हें कि यहाँ मैं तुम्हें इस घर से निकालने आई थी, और देखो आज तुम मुझे इस घर से निकाल रही हो। क्या बात है आसमां, असली खेल तो तुम खेल गई आसमां। ये तुम्हारे लिए खेल होगा आलिया, मेरा प्यार है। और हाँ, मेरे लिए खुशी के मायने इतने हल्के नहीं कि दूसरों को दुख में देखकर मैं खुश हो जाऊँ। खुशी तो मुझे तब मिलती कि जब तुम्हारी अच्छाई देखकर घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते, अपने दिल में बैठाते। खुशी मुझे तब मिलती आलिया अगर तुमने राजा की असलियत जानते हुए उसे एक्सेप्ट किया होता, उसके प्यार को अपनाया होता। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारियां के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जिस तरीके से सीरियल उड़ारियां में हम ये देख रहे हैं कि कैसे यहां पर आलिया की चाल का पर्दाफाश होगा, तो वहीं पर आसमां दूसरी ओर आलिया को घर से बाहर निकालने वाली है। खुशी मुझे तब मिलती आलिया अगर तुमने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी देखी होती, पर नहीं, अफसोस ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना नफरत का बोझ उठाओ और निकलो यहाँ से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आलिया को आसमां घर से बाहर निकालेगी उसका हाथ पकड़कर धक्के देके, और यहाँ पर जो है पूरा परिवार एकदम शांत खड़ा होगा आसमां के पीछे। जिससे साफ लगता है कि आसमां के घर वाले भी समझ गए हैं कि आलिया बड़ी शातिर है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आलिया किस तरीके से अरमान और अपने बारे में ये बात दिखाती है राजा को कि इन दोनों के बीच में सुहागरात हुई है, इन्होंने जो है साथ में रंगरलियां मचाई है। और यहाँ पर दूसरी ओर जब राजा इस स्थिति में देखता है आलिया को और अरमान को, तो यहाँ पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अरमान को होश मिलाने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में हमला होने वाला है, वो भी आसमां और बाकी परिवार वालों के सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं। आसमां को एक लड़की पागल भी बनाती है, जहां पर वो आसमां की हेल्प लेने की कोशिश करती है, और फिर जब हेल्प उसे मिल जाती है तो वो आसमां को ही चकमा देकर उसे मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर आसमां भी पूरा सामना कर रही है। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में और कौन सा नया ट्विस्ट आएगा। फिलहाल के लिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।